नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड। इस स्टॉक 42 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.71% का डाउन मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 10,444 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 70.30 है। बुक वैल्यू इसकी 15.10 है एंड डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। सो बेसिकली फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में अगर देखें तो ये 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 50 डीएमए को इसने डेथ क्रॉस दिया था कुछ दिन पहले, जो कि एक थोड़े से कंसर्न की बात है। ऑफ कोर्स पी रेशियो यहाँ पे दिखाई नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कुछ टाइम से इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी कम हुई है। होपफुली ये ठीक कर लेगा। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए चार्ट में हमने कल के एनालिसिस में जो देखा था वो ये देखा था कि ये अपने स्ट्रांग सपोर्ट पे है। अगर ये वाला सपोर्ट जो है 40.20 का, अगर ये वाला ये तोड़ता है 40 के ऊपर का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि उसके बाद और ज्यादा डाउन मूव देखने को मिले। तो इसके बाद या तो इसके बाद तगड़ा रिवर्सल मिलेगा या तो हमें यहाँ पे मुझे लगता है कि एंट्री हमें क्लोज करनी पड़ेगी। अभी के लिए देखें तो अभी के लिए एंट्री की बात करूँ तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी लास्ट एनालिसिस में कि ये एक ऐसे पॉइंट पे है जो जहां से इसको रिवर्सल जरूर मिल सकता है, बट जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम शॉर्ट टर्म के यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ले सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए देखिए गवर्नमेंट का स्टॉक है, फ्यूचर अच्छा है, फाइनेंस के सेक्टर में है एंड इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करता है बेसिकली ये, तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है। तो उस चीज को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एंट्री तो मैं होती तो मैं यहाँ पे बना लेती। एंड वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज कैंडल बनी है, काइंड ऑफ यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है एंड स्पिनिंग टॉप जहां भी बनता है उसका मतलब होता है कि अगर गिरती उसमें डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बन जाए इसका मतलब कि ऊपर जाएगा और ऊपर अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बन जाए इसका मतलब नीचे जाएगा। तो ये मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में देखा गया है। तो अभी के लिए देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम चलेंगे इसकी बीएससी पे। बीएससी पे इसका प्राइस बैंड जो है 5% का है एंड न्यूज भी एक आई है जो कि मैंने पहले ओपन कर ली है एंड न्यूज मैंने रीड कर लिया है। मुझको कोई प्राइस सेंसिटिव नहीं लग रही है जिसकी वजह से कि इसकी प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़े। सो बेसिकली यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस ही का ही सहारा लेंगे अभी। तो वॉल्यूम की बात करें तो आज लगभग 10 मिलियन का वॉल्यूम आया है, कल 8 मिलियन का वॉल्यूम आया था, उससे पिछले दिन 10 मिलियन 10.11 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आया था। तो देखिए लॉन्ग टर्म की एंट्री की तो मैं यहाँ पे जरूर बनाती बट मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री अभी भी यहाँ पे नहीं बनाती। हालांकि एक एक काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है यहाँ पे जो कि है कि स्ट्रांग सपोर्ट पे अपने नीचे भी गया था ये बट वहां से भी ये यहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्सल लेके आया है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि स्ट्रांग सपोर्ट को इसने ये एक बता दिया है, कन्फर्मेशन से दिया है कि भैया मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आप क्या कितना देर तक ये टिकता है या ऊपर चला जाता है, तो वो तो किसी को नहीं पता ऑफ कोर्स। तो अभी के लिए मैं फिर भी थोड़ा सा ये बोलूंगी कि थोड़ा सा संभल के चलें, एक बार यहाँ से कैंडल मिल जाए रिवर्सल की एंड उसके बाद हमें अगर मिल जाए थोड़ी सी कंफर्मेशन कैंडल तो हम बहुत श्योरिटी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सेव करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ कम से कम एक साल की एंड एक साल तक मुझे बहुत आराम से लगता है कि एक साल तक ये 80 एंड 100 के आसपास हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपने एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।